जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पहले वीडियो यानी फॉर्मूला के पहले पार्ट वन में हम लोगों ने समझ लिया है साइन कॉस के बारे में, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका जोड़ घटाव और मल्टीप्लाई यानी गुणा के रूप में देगा तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टैन कॉट एंड जितने भी और इससे आगे फॉर्मूला यानी होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं, साइन कॉस का तो हो गया था, अब चलते हैं टैन और कॉट और इससे भी आगे फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में जो आप फॉर्मूला लिखेंगे टैन ए प्लस बी, ठीक है। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहां लिखेंगे टैन ए प्लस टैन बी बटा में वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यही देखिए, इस फॉर्मूला को यानी लर्न करने का जो शानदार कॉन्सेप्ट कहेंगे, जो कि आप ट्रिक समझिए, जो भी समझिए, इसको यानी हम आसानी से कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर प्लस रहता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। यानी कहने का मतलब दो नंबर में आप लिखिए टैन ए माइनस बी। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, टैन ए, यहाँ माइनस होता है तो आप ऊपर में माइनस लिखेंगे, यानी माइनस टैन बी बटा में, और जस्ट इसके आप उल्टा कर सकते हैं, नहीं तो माइनस का उल्टा आप यहाँ नीचे लिखेंगे, यानी वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो बस आप इतना ही समझिए कि यहाँ प्लस तो ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस, और यदि यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा ऊपर में और नीचे में क्या होगा, प्लस होगा। यह तो हो गया टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी का। तो अब देखिए कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आपसे पूछता है तो आप क्या लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिए कोट बी इंटू कोट ए, ठीक है, माइनस वन और बटा में कोट बी प्लस कोट ए। देखिए, जो सबसे ज़्यादा यानी कहीं कन्फ्यूजन होता है तो इसी फॉर्मूला में होता है। कभी कभी आप लोग यहाँ कोट ए प्लस बी, ये कोट ए प्लस कोट बी, देखिए इसको लिख सकते हैं, लेकिन देखिए आप एक फॉर्मूला को याद करिएगा तो आप उसी के जरिए दूसरे फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं। अब आप इसको याद करेंगे कोट ए प्लस कोट बी, तो जो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है वह दूसरा एंड डिफरेंट होता है। देखिए कैसे होता है, वह कोट ए माइनस बी, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोट बी इंटू कोट ए प्लस वन बटा में कोट बी माइनस कोट ए। तो देखिए यह दोनों फॉर्मूला को हम लोग कैसे बहुत आसानी से लर्न करेंगे। देखिए कैसे, कोट ए प्लस बी जब भी आपको दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे कि जो बाद वाला एंगल रहेगा, यानी देखिए बाद में क्या है, हमारा बी है और फर्स्ट में क्या है, ए है, तो जो बाद वाला एंगल रहेगा यानी हमारा जो बी रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कोट बी, फिर उसके बाद लिखेंगे कोट ए। तो देखिए कोट बी इंटू कोट ए, और यहाँ पर प्लस तो ऊपर में इसमें क्या होता है, माइनस, यानी समझिए टैन का जस्ट उल्टा। टैन में क्या होता है कि यहाँ प्लस तो ऊपर में प्लस और नीचे माइनस, लेकिन कोट में क्या होता है, उल्टा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और नीचे इसमें क्या होता है, प्लस। और नीचे में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कोट बी प्लस कोट ए और कोट ए माइनस बी में, देखिए यहीं पर आप इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा कि नीचे क्या होता है, कोट बी माइनस कोट ए होता है। तो आप गलती क्या करते हैं कि इसमें याद कर लेते हैं कोट ए प्लस कोट बी, और इसमें भी आप याद कर लेते हैं कोट ए माइनस कोट बी, जो कि यहीं पर आप गलत कर देते हैं। तो आप इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा क्या, कि कोट बी प्लस कोट ए
प्लस में, और माइनस में बस आप यहीं पर माइनस लगा दीजिएगा कोट बी और माइनस कोट ए, तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर लर्न हो जाएगा। तो यह तो हो गया टैन और कोट का, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यानी साइन का फॉर्मूला हो गया, कोस का हो गया, टैन का हो गया, कोट का हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट फार्मूला, अब हम लोग पढ़ेंगे सी डी का फार्मूला। आप लोग जानते होंगे कि साइन सी साइन डी, कोस सी कोस डी का फार्मूला होता है। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन सी और साइन डी, यानी जितने भी साइन कोस में यह फार्मूला होता है उसको बहुत अच्छे से हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए अब चलते हैं वह फार्मूला की तरफ। यानी फर्स्ट में देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि साइन सी प्लस साइन डी, यानी साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लर्न करेंगे बहुत आसान तरीका से, देखिए कैसे। साइन सी साइन डी यदि प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो आप याद कीजिए कि साइन ए प्लस बी का आप फॉर्मूला कैसे लिखते थे, पहले साइन उसके बाद कोस। यदि माइनस आता था तब क्या करते थे, उसी जगह क्या लगा माइनस। तो आप यहाँ से एक चीज कॉपी कीजिए कि साइन का जो फॉर्मूला होता है प्लस में होता है तो कैसे होता है, अल्टरनेट होता है, यानी साइन कोस। तो इसमें भी देखिए प्लस लगा है तो पहले क्या आएगा साइन और प्लस के रूप में आएगा, फिर उसके बाद कॉस का जो एंगल आएगा वह सी डी किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो इसमें आप लिखेंगे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एंड देखिए इसको लर्न करने का जो कहेंगे सबसे आसान तरीका क्या है कि यदि प्लस रहता है साइन सी और साइन डी के बीच में यदि प्लस रहता है तो जो सी प्लस डी बाई टू आएगा प्लस में यह पहले साइन के फॉर्मेट में आएगा, फिर उसके बाद सी माइनस डी बाई टू यह किस में आएगा, कॉस के फॉर्मेट में आएगा। यदि साइन सी और साइन डी के बीच में यदि यहाँ पर माइनस आ जाता है तो जो पहला फॉर्मेट है सी प्लस डी बाई टू, जो एंगल का काम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कर रहा है, यह सबसे पहले किस में आएगा, कोस में आएगा, फिर उसके बाद साइन में। यानी आप ऐसे लर्न कीजिए कि प्लस रहेगा तो पहले साइन आएगा, अब माइनस लगता है तो पहले क्या आएगा, कोस आएगा, और साइन पहले आएगा तो आपको क्या बोलना है सी प्लस डी बाई टू, यदि माइनस आप लगाते हैं तो पहले कॉस आएगा, और कॉस में जो पहला फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा सी प्लस डी बाई टू, फिर आप उसके बाद अल्टरनेट कर दीजिएगा कॉस बोल के फिर उसके बाद साइन और साइन बोल के कॉस। अब देखिए तीन नंबर में चलिए, तीन नंबर में यदि कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कोस सी प्लस कोस डी का आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। यानी आप लोगों को मैंने बताया कि जो कोस का फॉर्मूला होता है वो देखिए लगातार होता है, लगातार यानी कहेंगे कि एक साथ एक टर्म में पूरा कोस रहता है फिर एक अगले टर्म में क्या होता है साइन होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि जब भी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो या तो पूरा कोस में लिखेंगे नहीं तो पूरा क्या लिखेंगे साइन में लिखेंगे। तो अब देखिए यदि कोस सी और कोस डी के बीच में यदि प्लस आता है तो पूरा फॉर्मूला किस में होगा, कोस में होगा, और कोस में होगा तो आप पहले क्या लिखेगा सी प्लस डी बाई टू और दूसरा में क्या लिखेगा सी माइनस डी बाई टू। तो अब देखिए चार नंबर में आप इसी फॉर्मूला को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कोस सी माइनस कोस डी प्लस में रहेगा तो पूरा फॉर्मूला कोस के फॉर्मेट में होगा, यदि इन दोनों के बीच में यदि माइनस आ जाता है तो पूरा फॉर्मूला साइन के फॉर्मेट में होगा। यानी कहेंगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू।
तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो यहाँ सी प्लस डी बाई टू होगा, लेकिन जब यहाँ आएगा बाई तो आप डी माइनस सी बाई टू ही लिखेंगे, नहीं तो इसका एक और, इसका कहेंगे कि इसका एक और फॉर्मेट होता है, देखिए क्या कि आप इनमें से माइनस कॉमन लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, आप देखिए यह जो पूरा एंगल है आप इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए, तो जो सी है वो किस में हो जाएगा प्लस में और डी किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन में यदि माइनस आता है, साइन में यानी साइन माइनस थीटा, आपको मैंने पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो आप यह माइनस को बाहर लिख दीजिए, यानी इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी आपको ऐसे ही फॉर्मूला कोस में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ बाहर क्या लगाना पड़ेगा माइनस, यानी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी आप यहाँ सी माइनस डी बाई टू बोलेंगे तब जब यहाँ आपको माइनस बाहर लिखेंगे तब। तो यह तो हो गया साइन सी प्लस डी का पूरा फॉर्मूला हो गया। तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका, यानी हम लोग यूज कैसे करेंगे।